पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस सीट को लेकर घमासान था, उस सीट पर लोकदल का टिकट होना था, लेकिन दोनों के जो गठबंधन था लोकदल और समाजवादी पार्टी का, उन्होंने गुलाम मोहम्मद का टिकट यहां से किया है। पूर्व एमएलए है और क्षेत्र में अच्छी छवि है। शायद यही वजह रही है कि दोनों ने सहमति से टिकट किया, लेकिन विरोध के स्वर उठने लगे, कुछ लोगों ने झंडे जलाए और विरोध किया। लेकिन अब खुद मेरे साथ गुलाम मोहम्मद मौजूद है, पूरे एमएलए हैं। किस तरीके से क्षेत्र में जाएंगे और जो रूठ गए हैं उनको किस तरीके से मनाएंगे? सर, सबसे पहले तो न्यूज बुलेटिन स्वागत है आपका। टिकट हो गया है, उसके लिए तो आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन जो लोग रूठ गए हैं उनको कैसे मनाएंगे? देखिए, मैं आज कर रहा हूं कि दो पार्टियों का यहाँ पश्चिम में खासतौर से गठबंधन है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव साहब, दूसरे हमारे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह साहब, चौधरी जयंत सिंह साहब। इन दोनों की सहमति से टिकट हुए हैं। वो भी टिकट मांग रहे थे कुछ लोग अपने दल से, हम भी अपने दल से टिकट मांग रहे थे। होना तो एक का ही था, हमारा हो गया, दोनों की सहमति से हो गया। अब जिन लोगों ने टिकट मांगा या लास्ट तक उनकी लड़ाई लड़ी गई, उनको कुछ तो एहसास हुआ होगा, उस एहसास का इजहार कहीं हुआ होगा। लेकिन हम सब लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विरासत वाले परिवार के सदस्य हैं। हमारे खून में आरएलडी के हों चाहे समाजवादी के हों, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के लोग हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव भी उनको अपना गुरु मानते थे, उनके बेटे हैं माननीय अखिलेश यादव साहब। एक ही विचारधार, इधर से आ जाइए चौधरी अजीत सिंह जी मरहूम, अब चौधरी जयंत सिंह, ये सब एक ही विरासत के लोग हैं। अच्छा, फूट नहीं पड़ने की। अच्छा, लोकदल से आपको सिंबल लोकदल का मिला है, लेकिन आपने राजकुमार सागवान से मीटिंग की है, मुलाकात की है, मैंने वीडियो देखे हैं, वो कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, उन्होंने वो आकर के बयान भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप आते तो शायद अच्छा हो। नहीं, अब देखिए यहाँ लोग कितने लोग, दो प्रस्तावक, एक अनुमोदक और एक मैं, सिर्फ तीन आदमी अलाउ हैं, ठीक है। अच्छा, वो मेरे घर पर आए, बड़ा दिल लेकर के आए, मैंने उनका हृदय स्वागत किया, मैं उनका आभारी हूँ, वो पूरे आरएलडी का आभारी हूँ। एक एक आदमी ने सहमति जता दी कि गुलाम मोहम्मद हमारा और हम गुलाम मोहम्मद के। यहाँ झूठों को हराना है, भगाना है, खदेड़ा करना है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम चेहरे को सामने लाया है, मतलब नन्हे प्रधान को उठाया है, वो भी क्षेत्र के हैं, और आपकी छवि उनसे अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। देखिए, जब मूड बनता है ना, एक पब्लिक ओपिनियन ग्रेजुअली बनती है, धीरे 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 बन जाती है, और पब्लिक ओपिनियन बन चुकी है कि गठबंधन ही खदेड़ा करेगा और किसी में दम नहीं है, इसलिए और तो बेदम है। अच्छा, गठबंधन खदेड़ा करेगा, शायद यही वजह रही कि सिटिंग एमएलए का टिकट काट के मनिंदर पाल को दिया गया। अब हो सकता है, ये तो दूसरे दल की बात है, हमारे लिए तो वो जिन्होंने टिकट दिया है या जो सरकार चला रहे हैं, जनता की नजर में वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। सीटें आ रही हैं, काम किया तो ये किया कि ऊंचाई पर पहुंचा दी। कितने सीटें आ रही है यूपी में और आप कितने वोटों से विजय हो? देखिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, अब तो ये चंद सीटें बचेंगी उनके पास में, बाकी तो ये लहर चल गई है स्वीपिंग। मुद्दे क्या है वैसे? मुद्दा किसान का। आप पत्रकार हैं, समझदार पत्रकार हैं, 13 महीने एजिटेशन चला इस देश में, सारे देश के नागरिकों को उन किसानों का आभारी ऋणी रहना पड़ेगा, रहना चाहिए, जो 13 महीने तक वहां डटे रहे और 700 लोग शहीद हो गए, एक 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 आंसू भी नहीं बहा सत्ताधारियों से, एक लफ्ज भी श्रद्धांजलि के नहीं निकला हमें। हाँ, तो बड़े दुख की बात है, और मैं सही बता रहा हूँ आपसे, हम सब ऋणी हैं कि उन्होंने देश के जमहूरियत को बचा लिया, डेमोक्रेसी को बचा लिया, संविधान को बचा लिया। जी, ये थे बिल्कुल हमारे साथ गठबंधन के प्रत्याशी हाजी गुलाम मोहम्मद, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए हैं, लेकिन वर्तमान में लोकदल के सिंबल पर लड़ रहे हैं। ऐसे में आज ये नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं और इनके दावे वादे हैं कि ये जीत दर्ज कराएंगे और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश की सरकार
बनने जा रही है। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।